अध्यक्ष महोदय, मेरी कौम चिल्ला रही है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये गद्दार बोलते हैं मुझे। जो गद्दार खुश है, नाथूराम गोडसे की फोटो लगाई जा सकती। किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार देगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ मुस्लिम लड़कों ने स्टेटस लगाया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, आपने उस पर केस किया। मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर गए उनकी कब्रिस्तान पर, फूल चढ़ाया और कहा किसी में दम है तो मुझ पर केस करके दिखाओ। क्या इस देश में दो किस्म का कानून चलता है? अगर किसी ने स्टेटस लगाया तो उस पर केस कर दिया गया, और एक आदमी चैलेंज कर रहा है, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो। ट्रेन में जो हादसा हुआ ना सर, इसी वजह से हुआ है। जो नफरत फैलाई जा रही है, 24 घंटे एक ही काम है कि किसी तरह से मुसलमानों को हिंदू भाइयों में बदनाम करो। ये चीज लाओ, ये लाते हैं ऐसी चीजें। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में अध्यक्ष महोदय हालत ये हो गई है कि आप किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार देगा। गांधी जी के कातिल का प्रचार किया जा सकता है अध्यक्ष महोदय, ये सब जानबूझ करके, अध्यक्ष महोदय ये सब जानबूझ कर किया जा रहा है। ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय।